चलिए तो देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में, भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत का काल, ठीक है। मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत का काल की शुरुआत जो हुई है, ठीक है, इस शुरुआती के तौर पर मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, तो भारत में जब आक्रमण किया तो पहला युद्ध हुआ था तराइन का युद्ध, ठीक है, 1191 में, 1191 में यह युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है हार जीत जाता है। और उसके बाद दूसरा जब तुरंत युद्ध होता है 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, ठीक है। हारने के साथ ही ये सबसे पहली शुरुआत थी कि इस्लामिक सत्ता का सबसे पहले भारत में जो स्थापत्य है यहाँ से शुरुआत माना जाता है उसका, ठीक है, तराइन के दूसरे युद्ध से, यानी 1192 से, ठीक है। अब उसके बाद जो है, याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी के कुछ दासत्व थे, या फिर कहना चाहिए कि सेनापति थे जो कि बहुत ज़्यादा विश्वसनीय थे, जिसमें से एक नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय रहा है, इस शुरुआती समय में अगर किसी ने गुलाम वंश की स्थापना की तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने जो है, याद रखिएगा कि सन 1200 से लेकर 1526 के बीच में जो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला शुरुआत रहा है, इसकी नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम याद रखिएगा, ये मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं उसका सेनापति था, और जो कि बहुत ज़्यादा विश्वसनीय था। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, अजमेर पर और दिल्ली पर चढ़ाई करते हुए किसने साथ दिया था इसका, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथ दिया था, किसका, मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा कि मोहम्मद गौरी जो है यहाँ से चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु यानी कि 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, अब चूंकि भारत में रह चुका वो, ठीक है, दिल्ली क्षेत्र में उसने क्या किया, अपना स्थापत्य जो है या अपना जो शासन प्रणाली है वो स्थायी किया, ठीक है। साथ ही साथ उसने सबसे पहले राजधानी बनाई अपनी, किसको, लाहौर को। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार दिल्ली को राजधानी नहीं बनाई थी, किसको बनाया था, लाहौर को बनाया था। और उसके बाद देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसके संबंध में तीन बातें आपको याद रखनी है। पहला, दास प्रथा, ठीक है, या फिर गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 के बाद जो है ये प्रथा स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के क्षेत्र में दिल्ली में, ठीक है, शासन की प्रणाली जो है ये लाहौर से क्रियान्वित की जा रही थी, या लाहौर से चलाया जा रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक के तहत, ठीक है। अब यहीं पर तीन चार फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे पहला कि कुतुब मीनार की नींव, ठीक है, कुतुब मीनार की नींव जो है किसने स्थापत्य प्रारंभ किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन याद रखिएगा किसके नाम पर किया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। याद रखिएगा, ये सूफी संत थे, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नींव डाला गया था। इसे पूरा कराने वाला व्यक्ति कोई और है, लेकिन जब नींव डालने की बात की जाती है, या फिर स्थापत्य के प्रारंभ की बात की जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज करते, थोड़ा फास्ट करेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश को देखते हैं, गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। और इसका, इसके बारे में आप यहाँ पर दो बातें याद रखिएगा कि सबसे पहले तीन राजवंशों के बारे में इसमें पढ़ा पसते हैं। तो देखिएगा, ग्वालियर से वापस आने पर इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। वह केवल 3 वर्ष तक शासन कर पाई थी, ठीक है। तो 36 से 39 यानी 40 का समय था, ठीक है। दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रजिया लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग का प्रतीक की, ठीक है, यानी कि न्याय के मांग का लाल वस्त्र धारण करना था उस समय की, न्याय मांगना, ठीक है। तो नमाज के अवसर पर जनता के सम्मुख उपस्थित हो गई, ठीक है। उस समय नमाज सभी लोग पढ़ते थे, तो उस समय वहां पहुंची और लोगों को अपनी बातों पर लेकर आई वो, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो वहां तक पहुंचती है, तो अब ये लोग समझ जाते हैं कि साहूतू खान जो है ये अत्याचारों में राज्य पर जो अवस्था फैल गई है, इसका वर्णन भी कर दिया, और साथ ही साथ आश्वासन दिया कि अगर मैं सुल्तान बनकर आती हूँ तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो तुर्क अमीर थे, ठीक है, और आम जनता जो थी वो प्रभावित हुए, और क्रुद्ध जनता ने क्या किया, राजमहल पर आक्रमण किया, और साहूतू खान को गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया, और रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। इस तरीके से रजिया क्या बन गई, सुल्तान बन गई, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बाद याद रखिएगा फिरोजा के बाद रजिया सुल्तान, ठीक है। अब रजिया सुल्तान के संबंध में तीन बातें याद रखना है आपको। पहला, पहली मुस्लिम शासिका, दूसरा, भारत की पहली शासिका, इससे पहले भारत, और एक बात याद रखिएगा, ये पहली और अंतिम है, ठीक है, शासिका के तौर पर, कैसी, मुस्लिम शासिका के तौर पर। साथ ही साथ, ठीक है, तो यहां पर पहली मुस्लिम शासिका के तौर पर याद रखिएगा, और अंतिम मुस्लिम शासिका के तौर पर याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा नाम। उसके बाद देखिएगा, फिरोज शाह जब विद्रोहियों से भयभीत होकर दिल्ली पहुंचा, तब उसे कैद कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। नवंबर 1236 में रजिया सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हो गई, ठीक है। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक रही, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए इसके समय में क्या कहानी होती है, थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अब अच्छा, एक बात और यहाँ पर मैं बता दूँ
कि आपको कुछ नाम ऐसे याद रखने हैं जिसने शासन किया है यहाँ पर, ठीक है। तो शासकों के कुछ नाम याद रखिएगा जो कि इनके समय में, हालांकि ये जो पूरा समय है पूरा का पूरा अंग्रेजों के समय में जो राज्य स्थापित हुए थे जहाँ पर महिला शासिका थी, ठीक है, मध्यकाल के बाद आधुनिक काल में, वो सभी का नाम है यहाँ पर। तो देखिएगा महिला शासिकाओं में रजिया सुल्तान का नाम आता है, रानी रुद्रमा का नाम आता है, आपने सुना होगा काकतीय वंश की रानी थी ये, ठीक है। मर्दुम जहाँ रानी दुर्गावती, चांद बीबी सुल्तान, बेगम बड़ी साहिब, ताराबाई, ठीक है। तो ये सभी अलग अलग समय के रहे हैं, याद रखिएगा आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा रजिया सुल्तान के बारे में दो तीन बातें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा जब ये सुल्तान बनी तो ये पूरी तरीके से मतलब पुरुष जैसा कपड़े पहनती थी, यानी पुरुष जैसा वस्त्र धारण करती थी, ठीक है। और इसने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ जब इसने पर्दा प्रथा को खत्म कर दिया, ठीक है। इसने पर्दा प्रथा को ना मानते हुए पूरे दरबार में जाती थी, ठीक है, और उसके बाद दरबार में जाकर वैसे ही के वैसे पूरे जैसे कि एक शासक बैठता है वैसे के वैसे टोपी लगाकर पूरे चोंगे पहनकर पूरी तरीके से वस्त्र धारण करके वैसे ही बैठती थी, ठीक है। और दरबार में ऐसे ही सिस्टम चलता था इसके समय में। तो जो तुर्क शासक थे, ठीक है, जो तुर्क अमीर थे, ठीक है, सरदार थे, वो एकदम पसंद नहीं करते थे इसको, ठीक है। एक ऐसा समय आ गया था कि हम इसके सामने नहीं झुकेंगे। दूसरी बात, हमको इसकी बात माननी पड़ती है एक महिला के बारे में, चूंकि आपको पता होगा इस्लामिक जो धर्म होता है उसमें महिलाओं के साथ जो है एक जो संबंध होता है, ठीक है, पर्दा प्रथा का होना और उसके बाद जो है दोनों के मध्य जो है पुरुष का वर्चस्व जो स्थापित होता है, हमेशा पुरुष वर्चस्व ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ते हुए देख जो तुर्क सरदार थे ये इसको सुल्तान मानने से मना करने लगते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि शासन का व्यवस्था इसका ठीक नहीं है। अब होता क्या है, क्यों ऐसा बोलते हैं, तो इसका कारण ये देखिएगा। तो रजिया को का एक प्रेम संबंध के बारे में बताया जाता है, ठीक है। एक जो है याद रखिएगा एक इस्लामिक व्यक्ति होता है, पुरुष होता है, इसका नाम है याकूब, ठीक है, याकूब। अब याकूब के बारे में बातें कही जाती हैं कि ये जो है इस्लाम तो है साथ ही साथ लेकिन निचले धर्म का इस्लाम है, इस्लाम तो है लेकिन निचला व्यक्ति है, यानी कि वंश में क्या है, निचला व्यक्ति है। और ऐसे में देखते हुए कि जो हमारे सुल्तान के साथ उसका प्रेम संबंध है तो लोगों को ये रास नहीं आ रहा था, ठीक है। और ऐसे में क्या किया, रजिया ने इसको एक सबसे बड़ा पद अधिकारी का पद दे दिया, ठीक है, याकूब को दे दिया। अब इसके कारण क्या हुआ कि जैसे ही उसने ये काम किया तो यहाँ पर जो तुर्क सरदार थे, ठीक है, उन्होंने बोला, किसको फोन किया, भटिंडा में बैठ के फोन किया, अल्तुनिया को, ठीक है, नाम था अल्तुनिया, याद रखिएगा। बोला कि आप क्या करो, यहाँ आक्रमण कर दो, हम आपके सपोर्ट में हैं, रजिया को हटाओ यहाँ से, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा अल्तुनिया को। अब रजिया जैसे ही आक्रमण किया गया और रजिया को बंदी बना लिया गया और साथ ही साथ याकूब को मार दिया गया, हत्या हो गई उसकी, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। अब रजिया को बंदी बना लिया गया, रजिया ने थोड़ा कूटनीतिक दिखाया, इसने क्या किया, अल्तुनिया से ही शादी कर लिया, ठीक है। अब इसने अल्तुनिया शादी कर लिया, अब अल्तुनिया अब इसको मार नहीं सकता, बीवी हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, अल्तुनिया और अब रजिया मिलकर फिर से बहराम शाह के पास पहुंचेंगे जो कि यहाँ का अभी शासक बन चुका है। देखिए रजिया यहाँ से चली गई, उसको बंदी बनाकर ले गए भटिंडा, ठीक है। अब दिल्ली दूर है अब इधर, ठीक है, और इधर कौन हो गया, इधर बहराम शाह आ गया, ठीक है। तो समझिएगा, वापस मैं पूरा पढ़ता हूँ फिर से आपको चीजें समझ में आ जाएगी, देखिएगा। तो रजिया के शासनकाल में सत्ता के लिए राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ और कभी कभी तुर्क के चहलगानी या चालीसा दल जिसको कहा जाता था इनके मध्य लड़ाई होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों के सम्मान, ठीक है, कुबा यानी कोट, कुला, टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी और शासन का कार्य संभालती थी, ठीक है। इवन ये लड़ने भी जाती थी जबकि महिलाओं को लड़ने की आज़ादी नहीं थी समय, ठीक है, और ये लड़ने चली जाती थी, युद्ध के मैदान में चली जाती थी। तो देखिएगा वजीर निजाम उल मुल्क जुनेदी ने उसकी गद्दी नसीनी यानी राज्यरोहण का, ठीक है, ये नाम थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, अगर याद नहीं होता तो कोई बात नहीं है, बस आप मेरी कहानी को चीजों को जोड़ते चले जाइएगा, ठीक है, जहां पर जरूरत होगी वहां पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिएगा का विरोध किया और उसके विरुद्ध अमीरों के विरुद्ध जो है, ठीक है, उसके विरुद्ध में अमीरों के विद्रोह में समर्थन कर दिया, यानी कि अमीरों के साथ हो गया ये, ठीक है। और उसके साथ देखिएगा तुर्क अमीरों ने नारी पर सुलभ सील का त्याग करने और याकूत खां के नाम पर अबिनिसियाई अमीर पर अत्यधिक मेहरबान होने के आरोप लगा दिया, यानी जो 40-40 थी इन्होंने क्या किया, रजिया सुल्तान पर आरोप लगा दिया कि ये जो है प्रेम संबंध में है और ये क्या करती है, याकूब जो है ना यहाँ पर उस पर मेहरबान हो गई है, ज़्यादातर मेहरबान है, उसको अधिक से अधिक अच्छा पद और अधिक अधिक धन दे देती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि शासन व्यवस्था जो है अब उनके विरोध में, देखिए कारण कुछ और था, कहीं ना कहीं आरोप लगाना था उसका कारण, ठीक है, क्योंकि महिला के सामने हम झुक नहीं सकते थे, ठीक है। तो शासक के तौर पर महिला बैठी हुई है तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से किसी पुरुष को ही यहाँ पर साबित किया जाए, महिला को हटा दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे में देखिएगा लाहौर और सरहिंद के विद्रोह
जहां पर वो विद्रोह भड़का, उसने स्वयं ही सेना के साथ मिलकर लाहौर पर आक्रमण किया। तब वह सरहिंद की ओर बढ़ रही थी, तब उसके खेमे में विद्रोह हो गया। ठीक है, यानी अब यहीं से शुरुआत हो जाता है कि रजिया सुल्तान के विरुद्ध में क्या होता है, विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। और विद्रोह होने के साथ ही समझिएगा, जैसे ही विद्रोह प्रारंभ होता है तो याकूत खां की हत्या कर दी जाती है और तरबहिंद, ठीक है, यानी भटिंडा में बंदी बना लिया जाता है। परंतु रजिया ने अपने बंदी को बनाने वाले सरदार अल्तुनिया को अपने पक्ष में कर लिया और जिससे पश्चात में अल्तुनिया से विवाह कर लिया। ठीक है, अल्तुनिया से विवाह हो गया इसका। अब अल्तुनिया के साथ देखिए, ये कूटनीति है, सिंपल सी बात है, कूटनीति है। इसको पता है कि याकूब तो मर गया, ठीक है, अब आगे कुछ होना जाना है नहीं, तो ऐसे केस में मुझे अल्तुनिया के साथ विवाह करके अपने आप को बचाना पड़ेगा अगर मुझे सुल्तान वापस यहाँ पर रहना है तो। ठीक है, लेकिन अब जब ये विवाह कर लेती है तो अल्तुनिया और रजिया अब दोनों साथ में हो गए हैं। अब ये पहुंचते हैं दिल्ली की तरफ, लेकिन रास्ते में जाते ही इनकी मृत्यु हो जाती है, बीच में ये दोनों को मार दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों की कहानी खत्म हो जाती है, रजिया और अल्तुनिया दोनों मर जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझिएगा, तो दिल्ली को फिर से विजय करने के लिए एक और प्रयास किया जो कि असफल रहा। रजिया बहुत बहादुरी से लड़ी लेकिन पराजित हो गई तथा उन्हें भटिंडा की ओर वापस लौटना पड़ा। परंतु कैथल हरियाणा के पास 13 अक्टूबर 1240 को कुछ डाकुओं के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इस तरीके से रजिया और अल्तुनिया दोनों है समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। रजिया के बारे में देखिए तीन बातें ही याद रखना है। पहला, रजिया कैसे सुल्तान बनी। ठीक है, दूसरा, उसके सुल्तान बनने का कारण समझिएगा उस समय। ठीक है, देखिए अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में लिखने का कारण आपको समझ आएगा कि पहली महिला शासिका के तौर पर उसका विस्तारिक या उसके अच्छाइयों या उसकी बुराइयों या उसके संबंध में उस समय के सिचुएशन को आपको लिखने के लिए 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे संबंध पूछे जाते हैं। व्यापम में डायरेक्ट फैक्ट होता है तो आप ये बोल सकते हैं पहली महिला शासिका जो है वो रजिया सुल्तान रही है। बस इतना ही क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा कि उसे कहाँ गिरफ्तार किया गया था, भटिंडा में रखा गया था। ठीक है, गिरफ्तार करके। ठीक है, और किसने गिरफ्तार किया था, अल्तुनिया ने। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद अब बहराम शाह आ जाता है इसके बाद। ठीक है, और ये कहा भी जाता है कि उसकी मृत्यु का कारण, मुख्य कारण बहराम शाह ही है। ठीक है, इसको सुल्तान पद मिलने ही वाला था, इसको पता था कि अगर रजिया जिंदा रहेगी तो इसको बहराम शाह को सुल्तान नहीं बना सकेंगे। ठीक है, और ऐसे केस में क्या हुआ कि इसको इसने क्या किया, कुछ लोगों को भेजा जिसको आप डाकू कहते हैं, वहां पर रजिया को मार दिया गया। तो डाकू को कौन भेजा था, ये कहा जाता है बहराम शाह ने भेजा था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो रजिया के पश्चात जो है 1240 में बहराम शाह सुल्तान का शासक बना। ठीक है, परंतु वह कुछ वर्षों तक ही गद्दी पर रहा, नाम मात्र का सुल्तान था। ठीक है, राज्य की वास्तविक शक्ति जो है संचालन अब 40 गुलामों के दल पे चला गया था। ठीक है, यानी जो 40 लोग थे यहाँ पर, अब ये राज्य का वास्तविक शासक बन चुके थे। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा शासन पर, ठीक है, अपनी पकड़, शासन पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए तुर्की अमीरों ने एक पद चालू किया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के तौर पर आज का क्वेश्चन कह सकते हैं आप। ठीक है, कि नायब ए मामलिकात, ठीक है, मामलिकात जो पद है ये एक्चुअल में राजा का संरक्षक होता था। ठीक है, एक नया पद, देखिए शासक होना और 40 का दल का होना, 40 का दल जरूर शासक के ऊपर प्रभुत्व रखता था लेकिन शासक तो नहीं था। लेकिन अब देखा गया कि अगर कोई शासक आ जाता है तो अगर हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, ऐसे करने के लिए उसने क्या किया, 40 के दल ने बोला कि एक काम करते हैं, शासक बहुत जल्दी जल्दी मर जाते हैं, एक काम करें संरक्षक बना देते हैं इसके। ठीक है, तो एक पद जारी किया जिसको बोलते हैं नायब ए मामलिकात। ठीक है, और ये कौन होते थे, संरक्षक होते थे किसके, शासक के। ठीक है, और बहराम शाह ये बात जान गया था कि अगर मेरे संरक्षक होंगे तो षड्यंत्र करके मेरे को मार देंगे। ठीक है, तो ये जब जब ये पद आता था और कोई खड़ा होता था उसको मार दिया जाता था शासक के द्वारा, ये भी बात समझिएगा। ठीक है, तो शासक, देखिए 40 का जो दल था ना, ये अब शासन के लिए काम कर रहा है। ठीक है, शासक के लिए काम नहीं कर रहा है, आप समझिएगा, दो बातों को समझिएगा, यहां पर बातें बदल चुकी हैं। जब इल्तुतमिश का समय था तो इल्तुतमिश के लिए ये जो 40 का दल था ये शासक के लिए काम करता था, शासन के लिए काम नहीं करता था। ठीक है, मतलब शासक बोलेगा ये गलत है तब भी मार दो, तब भी मार देते थे वो लोग। ठीक है, सपोर्ट में। अब जो है ऐसा है कि 40 का दल जो है अब ये शासन के लिए काम कर रहा है कि हम भी शासन में कहीं ना कहीं स्थान रखते हैं, शासक की वैल्यू उतनी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने बोला कि शासक पर पकड़ कैसे बना के रखें, तो बोला कि एक काम करते, एक पद जारी कर देते हैं जिसका नाम है नायब ए मामलिकात। ठीक है, और इसका काम था कि राजा का संरक्षण करेगा, मतलब नाम का तो संरक्षण है लेकिन ये भक्षण भी उसी का करता था, समझिएगा। ठीक है, अब समझिएगा यहां पर देखिएगा। तो इस तरीके से इसकी जगह पर किसको ला दिया गया, एतगिन, नाम याद रखिएगा, ये पहला संरक्षक बना है शासक का बहराम शाह का। ठीक है, एतगिन नाम है इसका। ठीक है, एतगिन, अब इसका ये एतगिन को बहाल कर दिया गया, परंतु उसकी बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर बहराम शाह ने उसकी हत्या करवा दी, अपने ही संरक्षक को मार दिया। ठीक है, क्योंकि देखिए जब पहली बार 40 ने ये बात सोचा कि क्यों ना हम उसके पर पकड़ बनाने के लिए संरक्षक बना दें, अब संरक्षक होता क्या था, साथ साथ चलेगा शासक के हमेशा, कभी भी पीछे वो पलटा पीठ पे छुरा मार दिया,
तो संरक्षक कभी भी उसकी हत्या कर सकता था। और ये बात जानते थे कौन? जो शासक होता है, ठीक है। तो शासक, देखिए, शासक चालीसा को तुरंत भंग नहीं कर सकता कि नहीं अब, क्योंकि चालीसा मार देंगे तुरंत शासक को। ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे के अब विरोध में चल रहे हैं, ठीक है, शासक भी और चालीसा दल भी। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि जो बहरम शाह है ये इस बात को जान चुका था कि अगर एतगिन लगातार इतना ही लोकप्रिय होता रहेगा तो शासक मैं तो चला जाऊंगा, मेरे जगह पर एतगिन आ जाएगा, हो सकता है चालीसा जो है मेरी जगह पर मुझे मारकर एतगिन को बैठा दे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता था, इसलिए इसने क्या किया, उसकी हत्या करवा दी। किसकी? एतगिन की, पहले क्रम पर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, बहरम शाह ने एतगिन की हत्या के पश्चात बदरुद्दीन सुनकर, याद रखिएगा, बदरुद्दीन सुनकर रूमी नायब के अधिकार प्राप्त कर लेता है और बहरम शाह की हत्या का षड्यंत्र में मारा गया। इन हत्याओं से तुर्की अमीर भयभीत हो गए और सुल्तान को प्रत्युत करने के लिए षड्यंत्र रचा था, ठीक है। मतलब एतगिन को जैसे ही मारा, हत्या किया, तो अब चालीसा का दल डर जाता है इस बात को लेकर, ठीक है, और सोचते हैं कि बहरम शाह को कैसे हटाए यहां से, ठीक है। और इसीलिए क्या करते हैं, उसके बाद किसको लेकर आ जाते हैं, बदरुद्दीन सुकर रूमी को, ठीक है। याद रखिएगा, ये गवर्नर है, ठीक है, कहीं का क्षेत्र का गवर्नर, स्पेशल क्षेत्र का, कब, इल्तुतमिश के समय ये गवर्नर रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी इसी का बेटा जो है शासक बनेगा आगे चलकर, ठीक है, अभी समझिएगा। तो अब उन लोगों ने सुल्तान को पदच्युत करने यानी पद से हटाने के लिए अब षड्यंत्र रखना प्रारंभ करते हैं चालीसा दल, क्योंकि इसने क्या किया था, एतगिन को मार दिया था। एतगिन को मारने के बाद उसके जगह पर किसको ला दिया गया है, बदरुद्दीन सुकर रूमी को ला दिया गया है, ठीक है। देखिए, कहानी के साथ ना थोड़ी सी जोड़कर चीजों को चलिएगा, आपको अभी फैक्ट यहां पर नहीं है कुछ भी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, 1241 में लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया और 13 मई 1942 को बहरम शाह की हत्या कर दी गई। इस तरीके से बहरम शाह एकदम आराम से मर जाता है, कुछ भी इसके बारे में आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इसके समय में अब याद रखिएगा कि मंगोलों ने विद्रोह करना प्रारंभ किया था इसमें, ठीक है, यानी आक्रमण किया था। इसके बाद देखिएगा, अब आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है, समय है अलाउद्दीन मसूद शाह का, याद रखिएगा। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था ये, ठीक है, इल्तुतमिश का पौत्र है, जो एक दुर्बल और अयोग्य व्यक्ति था, वह नाम मात्र का शासक था, ठीक है। और याद रखिएगा, इसी समय जो है इसके शासनकाल में मालिक कुतुबुद्दीन हसन को नायब और अबू वक्र का वजीर बनाया गया था। मतलब दो व्यक्ति जो थे, नायब और अबू वक्र, इस समय जो है इसके क्या बन गए थे, वजीर बन गए थे। और इन दोनों के हाथ में पूरा सिस्टम चला जाता है, इन दोनों ही ये तय करते हैं कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके समय में अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में जो है दो व्यक्तियों, और इसको बनाया कौन है, चालीसा ने बनाया है, ठीक है, चालीसा ही काम कर रही है अभी, याद रखिएगा। शासन का स्तर जो है इतना गिर जाता है कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो है अब दो अलग अलग तरीके से शासन चल रहा है। एक चालीसा का शासन प्रणाली है जो कि शासक के लिए ये तय करेंगे उसका संरक्षक कौन होगा या वजीर कौन होगा, वजीर कौन है यहाँ पर, मंत्री, ठीक है। तो दो लोग को बनाया जाता है, कुतुबुद्दीन हसन और नायब और वक्रू, ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरीके से दो लोग को, ठीक है। इसके बाद देखिएगा शासनकाल में, अब यहां पर देखिएगा, बलबन को हासी का एकता प्रदान किया गया। अब यहां पर बलबन जो है वैल्यू बढ़ती जाएगी, याद रखिएगा अलाउद्दीन मसूद शाह के समय जो है बलबन की व्यक्तित्व बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। ये बलबन कौन है, याद रखिएगा, इल्तुतमिश का गुलाम है, ठीक है, याद आया आपको, मैंने बताया था आपको कि तीन राजवंश जो है गुलामी के राजवंश में, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन जो है, अब यहां से बलबन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा और उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन मसूद शाह के समय जो है बलबन को हासी क्षेत्र का एकता प्रदान किया गया था। एकता मतलब भूमि दे दिया गया था किसको, बलबन को, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, शासन की वास्तविक सत्ता वजीर के हाथों में, किसके हाथ में, मुहाजुबुद्दीन के हाथों में चली गई थी और ये तजाकिस्तान का गैर तुर्क था, ठीक है। मतलब ये जो है अलाउद्दीन मसूद शाह, ये एक हिंदू था, याद रखिएगा, ठीक है, और उसके संबंध में गैर तुर्क था, ठीक है, हम लोग उस क्षेत्र की बात करेंगे, तो गैर तुर्क था, ठीक है। और धीरे धीरे जो है बलबन का जो प्रमुख व्यक्ति था ये बन गया था। मतलब आप इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिए कि अलाउद्दीन मसूद शाह जो है ये तजाकिस्तान का गैर तुर्क था और इसने क्या किया था, धीरे धीरे बलबन के साथ जोड़कर एक प्रमुख व्यक्ति बन गया था बलबन के लिए, ठीक है। अब बलबन के लिए याद रखिएगा, बलबन ने क्या किया, मसूद शाह को गद्दी से हटाकर कैद कर लिया, जहां उसकी मृत्यु कर दी गई, ठीक है। यानी मसूद शाह जो है अब यहां पर बलबन, देखिए बलबन वो चालीसा में है अभी भी, याद रखिएगा, चालीसा अभी भी चल रहा है और बलबन जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर हासी का एकता जो है प्रदान कर दिया गया उसको। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि उसके किसको हटाकर, अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा दिया यहां पर और उसकी हत्या कर दी गई है, ठीक है। यहां पर देखिए, आपको याद करने वाली बात यहां पर नहीं है कुछ भी, इसका तो ऐसा है कि कहीं कहीं पर पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा रहेगा, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 चार साल के लिए और इसकी मृत्यु का कारण है बलबन, बस बातें खत्म यहां पर, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है बस। इसके बाद देखिएगा,
इसके बाद आता है आपका नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। अब ये जो है ये कौन है इसके बारे में थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, शमसी मालिकों द्वारा सुल्तान के पद पर आसीन किया गया था इसे, ठीक है, 1246 में नसरुद्दीन मोहम्मद का, ठीक है। उसने तुर्की अमीरों की शक्ति का अनुमान लगाकर संपूर्ण सत्ता चालीसा के सरगना और नायब बलबन के हाथों में सौंप दिया। इसने खुद से सौंप दिया है उसको, बलबन को बोला कि अब तुम सबको संभालोगे, ठीक है, मैं सिर्फ शासन करूंगा, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या हुआ कि ऐसे कारण से, याद रखिएगा, नसरुद्दीन मोहम्मद ने क्या किया, बलबन के काम को देखते हुए उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, उलुग खां की उपाधि किसे मिली है, बलबन को, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था कि उलुग खां की उपाधि जो है किसको मिली थी दिल्ली सल्तनत में, तो बलबन को मिली थी। और साथ ही साथ याद रखिए किसने दी थी, नसरुद्दीन मोहम्मद ने दी थी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में चली गई थी, और इसी को देखते हुए बलबन ने काम किया, अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया, नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ कर दिया, ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ जैसे ही उसका विवाह करता है तो अब उसके बाद वो दामाद बन जाता है, अब शासक ही उसका दामाद है, तो पूरी तरीके से पावर किसके पास चला गया है, बलबन के पास चला गया है, ठीक है। तो अब बोलता है कि अब मैं क्या बनने लायक हो चुका हूँ, शासक बनने लायक हो चुका हूँ, क्योंकि पावर तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट हो चुका है अब, ठीक है। तो इस तरीके से नसरुद्दीन मोहम्मद को वो मार देता है, हत्या कर देता है, और क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। और इस तरीके से ग्यासुद्दीन बलबन जो है यहाँ पर शासक बनता है, ठीक है। तो समझिएगा, तो देखिएगा, 1266 में नसरुद्दीन शाह की अचानक मृत्यु हो गई, वह शमसी वंश का अंतिम शासक था और इसका पुत्र नहीं था, इसलिए अगला शासक ग्यासुद्दीन बलबन बन जाता है। ये लिखने वाली बात है, समझने वाली बात मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से नसरुद्दीन शाह जो है, नसरुद्दीन मोहम्मद है, इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद मृत्यु के बाद जो है ग्यासुद्दीन बलबन जो है यहाँ पर सबसे पहली बार जो है शासक बनता है, और बलबनी वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, 1249 में उसने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी और सेना पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया था, नायाबे मामलिकात का पद भी दे दिया था इसको, ठीक है। यानी राजा का संरक्षक भी यही था और साथ ही साथ सेना का संरक्षक भी, सेनापति भी था, तो बहुत सारे वैल्यू उसको मिली हुई थी, ठीक है। तो बलबन अब यहाँ पर एक नया वंश की स्थापना करेगा जो कि गुलाम वंश के अंतर्गत होगा, इसको बलबनी वंश कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको तीन बातें याद रखने वाली बात है कि बलबन जो है ये बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा तेज था, ठीक है। इसने पूरा प्लान रीप्लान किया हुआ था कि कैसे अपनी पुत्री का विवाह करना है, शासक के साथ उसको दामाद कैसे बनाना है, और इस तरीके से उसकी मृत्यु के बाद शासक कैसे बनना है, ठीक है। तो बलबन जब आता है तो उसके विरोध बहुत होता है, यानी बलबन का भी विरोध होता है, ठीक है। तो ये आते आते क्या बोलता है, कुछ तरीका तय करता है बलबन का, ठीक है। तो पहला तो याद रखिएगा कि उलुग खां नामक एक तुर्क सरदार 1265 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और वह अपने खिताबी नाम बलबन के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। उसने बलबनी वंश की स्थापना की और बलबन राजपद की शक्ति और प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बात समझिएगा, बलबन जब आता है ना शासन के तौर पर, ये बहुत कुछ बदल देता है। पहले तो सबसे पहले क्या करता है, चालीसा को समाप्त कर देता है, यहीं पर चालीसा समाप्त होता है, याद रखिएगा। इल्तुतमिश के समय आया चालीसा और बलबन के समय समाप्त हो गया, याद रखिएगा, क्योंकि इसको पता था कि चालीसा रहेगा तो ये मेरे को भी शासन करने नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा, अपने आप को बोलता है कि मैं कुलीन हूँ। कुलीन समझते क्या होता है, कि मैं ऊंचे कुल का हूँ, ठीक है, मैं ऊंचे कुल का हूँ और मेरा जो तरीका होगा वो शासन करने का अलग तरीका होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक सिद्धांत लेकर आता है, ये लौह रक्त नीति, ठीक है, याद रखिएगा, लौह रक्त की नीति लाया था किसने, बलबन ने। अब ये तरीका क्या है, लौह रक्त की नीति क्या है, मतलब मैं तलवार के दम पर शासन करूंगा, अगर कोई एक चू से चा करेगा तो मैं काट दूंगा उसको, ठीक है। तो इस तरीके को बोला जाता है लौह रक्त की नीति, ठीक है। तो ये जो है इससे इसलिए लोग डरने लगे थे बलबन का जो समय था, और सबसे बड़ी बात ये राजा का जब सिद्धांत लाता है, एक सिद्धांत है राजा का सिद्धांत, उसमें निरंकुश शासन प्रणाली को लेकर आता है। ये बोलता है कि प्रजा को क्या चाहिए मुझे नहीं पता, ठीक है, शासन के लिए क्या सही है वो मुझे पता है, और शासन के लिए मुझे किसी को मारना पड़े या कुछ भी ऐसा करना पड़े तो मैं कर दूंगा। इसे कहा जाता है लौह रक्त की नीति, और साथ ही साथ राजत्व का सिद्धांत, याद रखिएगा। तो दो सिद्धांत याद रखिएगा, किसने लेकर आया था, बलबन ने, ठीक है। पहला लौह रक्त की नीति लेकर आया था बलबन ने, और दूसरा लेकर आया था राजत्व का सिद्धांत, जिसमें निरंकुश शासन प्रणाली जो है ये लेकर आया था। निरंकुश शासन प्रणाली यानी कि राजा जो है अब कुछ भी कर सकता है, किसी भी बिना किसी कारण से किसी को मार सकता है, किसी भी तरीके का काम कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों सिस्टम लाया था किसने, बलबन ने लाया था, ठीक है। अब देखिएगा, अपने आप को क्या बोलता है ये, कि मैं विख्यात ईरानी सहनशाह अफरासियाब, याद रखिएगा, बहुत विख्यात था ये, ठीक है। तो यहीं पर दो प्रथा लेकर आता है, बोलता है मैं कुलीन हूं, मेरे सामने झुको, ठीक है। और यहीं पर दो प्रथा लेकर आता है, एक है आपका पाबोस प्रथा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा
कि जो इस्लामिक धर्म को मानते हैं वो ये बोलते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है बलबन एक नया प्रथा लेकर आता है, ठीक है, एक तो सिजदा प्रथा याद रखिएगा, सिजदा, ठीक है, और पाबोस याद रखिएगा, दो नाम याद रखिएगा, सिजदा और पाबोस, ठीक है, रट लीजिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिजदा क्या है? शासक के सामने झुकना, ठीक है, और उन्हें प्रणाम करना, मतलब उस तरीके से हम कहेंगे उसको। तो सिजदा प्रथा क्या थी कि शासक के सामने झुकना, जबकि इस्लामिक धर्म ये बोलता है कि हम अल्लाह के अलावा किसी सामने नहीं झुकते हैं, लेकिन उसके बावजूद बलबन ने इस प्रथा को लाया, सिजदा प्रथा कहा गया, सिजदा करो, ठीक है, आपने देखा होगा बोलते हैं बहुत बार सिजदा, हाँ सजदा अलग है, ठीक है, सिजदा, ठीक है। तो अब पाबोस प्रथा क्या है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक, कि आपको पेट के बल लेटना है और उनके चरण चुमने हैं, ठीक है। तो ये कहा गया था, सिजदा और पाबोस प्रथा किसने लाया था? बलबन ने लाया था। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि मैं कुलीन हूँ, ठीक है, कुलीन मतलब हाँ मैं बहुत ऊंचे कुल का हूँ, मेरे सामने जो है बाकी सब छोटे हैं, ठीक है, तो मेरे सामने सिजदा करो और पाबोस करो, जब भी आप राजदरबार में आओगे तो चरण चुमोगे, ठीक है, और दूसरा झुककर प्रणाम करोगे ऐसा, ठीक है। तो सिजदा प्रथा और पाबोस प्रथा जो है किसने लाया था? बलबन ने लाया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके शासन का तरीका थोड़ा अलग था, याद रखिएगा, बलबन का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, अपने को कुलीन रक्त का पक्ष सिद्ध करने के लिए बलबन ने खुद को तुर्क अमीरों के हित में रक्षक के रूप में पेश किया। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि बलबन कहता था कि जब भी मैं किसी नीच कुल को मैं देखता हूं, उत्पन्न होने वाले व्यक्ति को देखता हूं, तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ उसे मारने के लिए यानी मेरी तलवार चल जाती है, ठीक है, यानी अपने से निम्न कुल का देखता है उसको मार देता था ये, ठीक है, ऐसा कहते हैं बर्नी जो है इतिहासकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपके पीएससी में मेंस में पूछा गया है, ठीक है, बलबन के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया था कि कुलीन शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, खासकर दिल्ली सल्तनत के संबंध में, और साथ ही साथ बोला गया है कि बलबन ने कुलीन शब्द के लिए क्या उच्चरित किया गया है, ठीक है। तो बर्नी ने लिखा था, ये याद रखिएगा, बर्नी के इतिहासकार के अनुसार, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद, इसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने राजत्व, ठीक है, नियामत खुदाई, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, और खुद को यहां पर समझिएगा, ये बोलता है कि मैं राजा इसलिए नहीं बनाऊं कि आपने मुझे राजा बनाया है, राजा मैं इसलिए बनाऊं क्योंकि ईश्वर ने मुझे चुना है राजा बनने के लिए, ठीक है, मतलब मैं सुल्तान हूं राजस्व प्रथा के तहत, ठीक है, यानी कि ईश्वर चाहते हैं कि मैं राजा बनूं। तो ईश्वर की जो सिद्धांतिक प्रणाली थी कि इसने बोला कि राजा जो है अब क्या होगा, उच्च कुल का है, और साथ ही साथ ईश्वर के द्वारा मुझे शक्ति प्रदान की गई है कि मैं राजा रहूंगा, ठीक है। तो ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो सुल्तान है या राजा है, वो कहा कि मुझे किसी ने बनाया नहीं है सुल्तान, मैं कौन हूं, ईश्वर ने मुझे चुना है राजा बनने के लिए, ठीक है। तथा राजा को जिले इलाही ईश्वर की छाया कहा है, मतलब खुद को राजा को वैल्यू इतना दे दिया कि सुल्तान की वैल्यू के साथ जोड़ दिया इसको, ठीक है, और इसीलिए इसने सिजदा और पाबोस प्रथा लाया है, इसीलिए ईश्वर के सामने झुकने की बात जो आती है ना, इसलिए मेरे सामने झुको ऐसा बोलता था ये, ठीक है। बलबन ने मद्यपान निषेध कर दिया, ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको एकदम आईएमपी कर लीजिएगा, ये जो है नौरोज त्यौहार का शुरुआत करता है बलबन ने, ठीक है। नौरोज त्यौहार क्या है समझिएगा, तो फारसी का जैसे हम लोग क्या करते हैं हिंदू धर्म में चैत बैसाख करते हैं, ठीक है, यानी हमारा जो साल होता है वो चैत से स्टार्ट होता है, वैसे ही अंग्रेजी में जनवरी फरवरी होता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, पहली बार फारसी नववर्ष की शुरुआत की थी, ठीक है, किसने? बलबन ने। तो ये आईएमपी रखिएगा इसको कि फारसी नौरोज त्यौहार की शुरुआत किसने की थी, ग्यासुद्दीन बलबन ने की थी, ठीक है। नौरोज को भारत में प्रारंभ किया गया था तथा सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में फारसी परंपरा सजदा घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पैबोस प्रथा पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चुमना प्रथाएं प्रारंभ कर दी थी, ठीक है। तो सिजदा और याद रखिएगा तीन चीजें चालू की इसने, नवरोज त्यौहार चालू किया, सिजदा प्रथा चालू किया और पैबोस प्रथा चालू किया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने चालीसा दल और नायाब का पद पूर्णतः समाप्त कर दिया, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद देखिएगा, स्वयं को राज्य का परिस्थितियों के से परिचित रखने के लिए गुप्तचर प्रणाली का प्रारंभ किया, ठीक है, क्योंकि इसने जो सबसे बड़ा जो काम किया है ना वो ये काम है, क्योंकि देखिए अभी तक क्या होता, षड्यंत्र रचे जाते थे, ठीक है, तो इसने क्या किया, मार्केट में पूरी तरीके से गुप्तचर को छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को छोड़ दिया जो अब मार्केट में लाकर बातों को बताएंगे इसको कि गुप्तचर क्या होते हैं, ठीक है, गुप्तचर समझ पा रहे हैं क्या होते हैं, ठीक है। राजा जो है अपने ऐसे व्यक्ति को चुन लेता है जो उसके बहुत ज्यादा विश्वसनीय है और मार्केट में यानी व्यापार के क्षेत्र में हर क्षेत्र में छोड़ देता है, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, गुप्त तरीके से बाहर बाहर की बातें यहां तक लाते थे, ठीक है। तो इसे कहा जाता था बरीद, इसको याद रखिएगा, बरीद क्या है, तो गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है, बरीद, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, बलबन के समय में दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बनने वाले मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने एक
शक्तिशाली केंद्र की सेना संगठित की और इस प्रयोजन से उसे सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया। ठीक है, तो याद रखिएगा दीवाने अर्ज की स्थापना की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बलबन के समय में मैंने बताया आपको, बलबन जो है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करके जाता है। ठीक है, तो बलबन ने दीवाने अर्ज स्थापित किया था, ये था सैनिक व्यवस्था। ठीक है, केंद्रीय सैनिक व्यवस्था कहा जाता है इसे। इसका पुनर्गठन कहा किया और विरोधियों एवं लुटेरों से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। इसके अंतर्गत लुटेरों को दूर तक पीछा कर उसकी हत्या कर दी जाती थी। मतलब अगर गलती से कोई काम ऐसे लुटेरे वाला काम किया, ठीक है, या कोई भी कुछ ऐसा काम करता है जिससे शासन में प्रॉब्लम आता है, उसको मार दिया जाता था इस तरीके से। ठीक है, तो ये चार पांच फैक्ट हैं बलबन के लिए, याद रखिएगा, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। इसने खलीफा का सहायक कहा है अपने आप को। ठीक है, आने वाले खिलजी वंश में खुद को खलीफा ही कहने लग जाएंगे। ठीक है, और खुद को ईश्वर या धर्म से दूर कर देंगे कि हमको धर्म नहीं पता क्या होता है, हम शासक हैं और इसको मैं अलग तरीके से कहूंगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या है, बलबन की कहानी है, छोटी सी, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, बलबन ने बदायूं के आसपास के क्षेत्रों में राजपूतों के गढ़ों को नष्ट कर दिया और लोगों पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदर्शित करने के लिए बलबन अपने दरबार का वातावरण अत्यधिक शानो शौकत से भरा रखता था। बलबन की मृत्यु 1286 में हुई। ठीक है, याद रखिएगा, बर्नी लिखता है कि 1286 में बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ दिए। ठीक है, और सुल्तान के शव को नंगे पैरों तक दारुण अमन यानी कब्रिस्तान तक लेके जाते हुए अपने आप और अपने सिरों पर धूल फेंकी। उन्होंने 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया और भूमि पर सोए। ठीक है, ये सिर्फ कहा जाता है, इसकी असलियत जो है केवल इतिहासकार खुद जानते हैं, बाकी कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। ठीक है, चलिए, ये था बलबन। और बलबन के बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए, अब समय बदल चुका है, कहानी खत्म, समझिए बलबन पढ़ लिया आपने, पूरा कहानी खत्म हो चुका है। गुलाम वंश में सिर्फ आपको 3-4 लोगों का नाम याद रखना है, उनके फैक्ट याद रखना है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इल्तुतमिश ने क्या किया, रजिया सुल्तान ने क्या किया है, और उसके बाद बलबन का समय। बलबन का समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन का ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, मोइनुद्दीन कैकुबाद जो है, ये सुल्तान की मृत्यु के बाद उसके अमीर पुनः सक्रिय हो गए। ठीक है, बलबन बहुत टाइट करके रखा हुआ था, शासक बहुत इंपॉर्टेंट था वो। ठीक है, मतलब लौह रक्त की नीति अगर अपनाया जाता है तो उसके बाद जो है, उसकी मृत्यु के बाद अब जो है शासन में फिर से जो है अमीर जो पुनः सक्रिय हो जाते हैं, उन लोगों ने कै खुसरो को मुल्तान भेज दिया, उसके स्थान पर बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, तो बुगरा खां जो है, याद रखिएगा, ये आगे आप पढ़ेंगे कि बुगरा खां जो है ये सूबेदार था। ठीक है, सूबेदार के बेटे को सुल्तान बना दिया गया है। ठीक है, और यहां पर याद है कि खुसरो जो कि आपका बलबन के पूरे वंशावली में आता है, कै खुसरो, उसको भेज दिया गया कहां, तो उसको याद रखिएगा, उसे मुल्तान भेज दिया गया है। ठीक है, कैकुबाद को सुल्तान बनाने के लिए दिल्ली के कोतवाल मालिक फखरुद्दीन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस तरीके से जो याद रखिए, कैकुबाद जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके समय आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद नहीं करनी है, याद रखिएगा। ठीक है, कैकुबाद आता है, इसके बाद कैकुबाद का राज्यारोहण होता है। ठीक है, और आयु मात्र 17 वर्ष की थी इसके समय में, याद रखिएगा। ठीक है, उसका पालन पोषण उसके दादा बलबन के संरक्षण में हुआ था, जो आचार विचार के संबंध में अत्यंत कट्टर था, अतः विलासित पूर्ण जीवन के पूर्णता दूर था। ठीक है, जीवन से पूर्णता दूर था, वह सभी प्रतिबंधों से मुक्त हो गया और एक विशाल राज्य की स्वामी बन जाता है। ठीक है, इसलिए दबी हुई इच्छाओं उमड़ पड़ी और वह शराब स्त्री प्रसंग और विलासिता के जीवन में लुप्त हो गया। इस तरीके से कैकुबाद का जीवन भी विलुप्त हो जाता है। ठीक है, यानी समय के साथ, याद रखिएगा, कैकुबाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, उसके दरबारियों में भी उसका अनुसरण किया, क्योंकि पुनः सुल्तान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से वो उब गए थे। राज्य की शक्ति दिल्ली के कोतवाल के दामाद निजामुद्दीन नामक चरित्रहीन व्यक्ति के हाथों में चली गई और कैकुबाद उसके हाथों की कठपुतली बन गया। इस परिवर्तन का लाभ उठाकर मंगोलों ने अपने नेता तैमूर खां के नेतृत्व में पंजाब पर आक्रमण किया और सामना तब तक बढ़ाए, ठीक है, सामने बढ़ाए। कैकुबाद के पिता बुगरा खां बलबन के समय में ही बंगाल का सूबेदारी करता था। ठीक है, तो ये जो है इल्तुतमिश के बाद जो है बलबन के समय की बात है, बलबन के समय जो है ये बंगाल का सूबेदार था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बातें याद नहीं करनी है, मोइनुद्दीन जो है कैकुबाद इसके समय, बस याद रखिएगा अयोग्य शासक था ये। ठीक है, विलासितापूर्ण जीवन जीता था। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, मोइनुद्दीन कैकुबाद जो है, जब उसने दिल्ली से ये खबर सुनी कि एक शक्तिशाली सेना लेकर वह राजधानी की ओर आया, यानी कि मंगोल जब आक्रमण करते हैं इस तरफ दिल्ली की तरफ, ठीक है, पंजाब की तरफ, तो ये पहुंचता है दिल्ली की तरफ से। ठीक है, कहा जाता है अपने दुर्बल पुत्रों के हाथों से गद्दी छीन लेना उसका मुख्य उद्देश्य था, किंतु एक अन्य लेखक
कहता है कि वह कैकुबाद को उचित सलाह देना चाहता था, जिसमें वह अमूत प्रिय जीवन त्याग कर राजकाज की ओर ध्यान देवे। ठीक है, ये इग्नोर कीजिए इसको, ये सारी चीज़ें जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मौजुद्दीन कैकुबाद जो है 1287 से 1290 यानी 3 साल के लिए, इसका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, 1288 में इसने अयोध्या के निकट घाघरा नदी के किनारे अपना डेरा जमा दिया। कैकुबाद में भी एक बड़ी सेना लेकर उसके विरुद्ध कूच किया, निजामुद्दीन के पिता और उसके पुत्र को मिलने से रोका। ठीक है, निजामुद्दीन के पिता और उसके पुत्र को मिलने से रोका और प्रयत्न किया कि कैकुबाद को उसने युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु बलबन के समय में कुछ स्वामी भक्त सेवकों के प्रभाव के कारण अंत में पिता पुत्र में समझौता हो गया। ठीक है, तो इनके मध्य जो है लड़ाई की एक बात है जो कि पिता पुत्र के मध्य होती है कैकुबाद के संबंध में। ठीक है, आपको बस एक बात याद रखनी, कैकुबाद जो है ये इंपॉर्टेंट शासक नहीं है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसके बाद आ जाता है क्यूमर्स। ठीक है, इसका पुत्र होता है कैकुबाद का क्यूमर्स। तो देखिएगा, तुर्की अमीर जो खिलजियों को गैर तुर्क समझते थे, जलालुद्दीन के शत्रु थे, इसके कुछ समय पश्चात कैकुबाद लकवाग्रस्त हो जाता है और इसलिए तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र को जो अभी शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से सिंहासन बैठता है उसे बैठा दिया जाता है, यानी क्यूमर्स आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बलबन, बलबन के बाद कैकुबाद और कैकुबाद के बाद क्यूमर्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपको ज़्यादा यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा क्यूमर्स जो है ये भी बहुत अच्छा नहीं था, यानी कि ऐसा बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था। होता क्या है इसमें, तुर्की अमीरों ने कैकुबाद के नाबालिग पुत्र क्यूमर्स को द्वितीय की उपाधि से गद्दी पर बिठाया यानी सुल्तान बनाया और जलालुद्दीन उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। ये जलालुद्दीन कौन है, तो याद रखिएगा फिरोज शाह। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज शाह जो है खिलजी। ठीक है, यानी इस तरीके से क्यूमर्स को मारकर अब खिलजी वंश स्थापित कर देगा। ठीक है, तो 3 माह पश्चात क्यूमर्स को बंदी बनाकर उसकी हत्या, जलालुद्दीन सुल्तान बन जाता है और इस प्रकार इलबरी तुर्कों का शासन समाप्त हो जाता है और खिलजी वंश की सत्ता स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको क्या फोकस करना है, देखिए याद करने की बातें 3 ही रहेंगी। ठीक है, बाकी आपके क्वेश्चन पेपर आपको जो मिलेगा उसमें सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि अभी यदि आप याद रखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा इल्तुतमिस को याद रखिएगा, तीसरा आपको याद रखना है रजिया सुल्तान को और चौथा याद रखना है ग्यासुद्दीन बलबन को। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, क्यूमर्स को भी याद रखिएगा क्योंकि क्यूमर्स जो है अंतिम शासक है गुलाम वंश का। ठीक है, तो आपको 5 क्वेश्चन हमेशा जनरेट रखिएगा, जब भी कोई वंश पढ़े तो उसका पहला शासक, उसका अंतिम शासक बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना कम से कम याद कर लीजिएगा। इसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश को वापस। ठीक है, और आज जो है आपके टेलीग्राम में हो सकता है या फिर आपके एप्लीकेशन में आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि गुलाम वंश से संबंधित होंगे। ठीक है, तो उसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, 10 क्वेश्चन इसी संबंधित होंगे। ठीक है, बस आप जो पढ़े हैं उसी संबंधित क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे इसमें इतिहास के। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। इसके बाद कल जो है खिलजी वंश को पढ़ेंगे, खिलजी राजवंश को पढ़ेंगे, जो कि जैसे ही अब यहाँ पर फिरोज शाह खिलजी जो है अब ये बनेगा शासक और ये खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो याद रखिएगा जब ये शासन करेगा, ठीक है, तो शासन करने का इसका समय देखिए 70 वर्ष की उम्र में ये शासक बनेगा, 70 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो 70 वर्ष की उम्र में शासक बनेगा तो कैसा शासक होगा, तो मजबूत तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, और ऐसे में क्या करता है ये खिलजी वंश का शासक जो है, ये हालांकि थोड़ा सा धर्म के प्रति जो है ज़्यादा सहानुभूति रखता था। ठीक है, ठीक ठाक व्यक्ति था, लेकिन क्या था, इसने एक गलती की थी कि अपने भतीजे को अपना दामाद बनाया था। ठीक है, भतीजे को ही दामाद बनाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है शुरुआती समय में बहुत अच्छा था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो फिरोज शाह जो है, जो खिलजी है ये बहुत अधिक उम्र में शासक बनता है और इसके साथ जो है जब अलाउद्दीन खिलजी जब एक महत्वपूर्ण संघर्ष में आगे बढ़ता है, ठीक है, तो उसका सपोर्ट भी करता है एक तरीके से और देवगिरी में आक्रमण करने के लिए भेजता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, और इस तरीके से खिलजी के समय जो है आपको एक बात याद रखना है कि फिरोज शाह खिलजी ने शुरुआत की थी खिलजी वंश की, लेकिन कुछ ही साल के बाद तुरंत उसकी मृत्यु कर दी जाती है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी उसे मार देता है और शासक बन जाता है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा कहानी है सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, फिरोज शाह के ऊपर और अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे खिलजी वंश में केवल आपको फोकस करना है अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसने जो सत्ता स्थापित किया है उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, कोई क्वेश्चन है क्या इसमें?